कहाँ हैं युवा नेता कन्हैया कुमार? जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 24 के चुनाव में नजर नहीं आ रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया ने खूब हंगामा मचाया, सुर्खियों में रहे। बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा तो कन्हैया के प्रचार के लिए देश के हर क्षेत्र से जानी मानी हस्तियां पहुंची। हालांकि वो चुनाव हार गए, लेकिन लोगों के दिलों में कन्हैया कुमार ने अपनी जगह जरूर बना ली। अब 5 साल बाद फिर कन्हैया की चर्चा तो है, लेकिन इस बात के लिए कि कन्हैया कहाँ गायब हो गए हैं, आखिर क्या होगा उनका सियासी भविष्य। कन्हैया कुमार इस सियासी हंगामे के बीच थोड़ा साइड जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें कन्हैया कुमार का नाम भले ही शामिल है, लेकिन कन्हैया क्या कर रहे हैं इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। लोकसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका अभी तक नहीं दिख रही है। 2019 में बेगूसराय से हार के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस नेतृत्व भी कन्हैया के आने से उत्साहित था। उसे लग रहा था कि बोलने में माहिर कन्हैया कुमार पार्टी को पुनर्जीवित करने में कामयाब होंगे, लेकिन लालू तेजस्वी की आंखों की किरकिरी बने कन्हैया धीरे धीरे साइड होते दिख रहे हैं। अपने सियासी भविष्य की तलाश में सीपीआई से कांग्रेस में आए कन्हैया कुमार फिलहाल खबरों से गायब हैं। माना जा रहा था कि इस बार भी कन्हैया कुमार बेगूसराय से कांग्रेस के टिकट पर गिरिराज सिंह को चुनौती देंगे, लेकिन बेगूसराय सीट सीपीआई के खाते में चली गई, जिसके बाद बेगूसराय तो छोड़ दीजिए, कन्हैया कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अब कन्हैया कुमार के चाहने वाले सवाल कर रहे हैं कि आखिर कन्हैया इतने खामोश क्यों हैं? क्या वो देश के किसी और हिस्से से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर इस बार वो सिर्फ प्रचार ही करेंगे।